बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे तवा चिकन। बहुत ईजी है बनाना, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तवा चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन, टमाटर लिए हैं दो बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए, लहसुन लिया है इसको भी बारीक काट लिया है, छोटे साइज़ का लिया है प्याज, तीन से चार लिए हैं सब्ज़ मिर्च, दो चम्मच ली है दही और दो चम्मच लिया है यहाँ पर क्रीम। स्पाइसेस में लिया है एक चम्मच लिया है गर्म मसाला, नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च ली है आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ली है एक चम्मच, हल्दी ली है आधा चम्मच, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच और खुश्क धनिया लिया है आधा चम्मच। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। अब सिंपली लेंगे एक तवा, उसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन तीन से चार चम्मच और उसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा भून लेंगे, तकरीबन आधा मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे लहसुन। लहसुन को भी थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। इसको भी तकरीबन आधा मिनट आपने ज़ीरा के साथ डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अच्छी तरह से इसको हल्का सा भून लेंगे। लहसुन को स्टिर फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अब चिकन को डालकर चिकन का थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन चार से पाँच मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को चिकन में डालकर तकरीबन एक से डेढ़ मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, स्पाइसेस में से गरम मसाला निकाल लेंगे अलहदा, उसको लास्ट में डालेंगे। बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करके अब अच्छी तरह से चिकन को चिकन के अंदर इसको डाल के भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डाल के भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल इस सारे मटेरियल में से अलहदा ना हो जाए। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें शामिल कर देंगे दही। दही को भी तकरीबन थोड़ी देर के लिए चिकन में डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। दही डालने से चिकन का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो आप दही इसमें शामिल कीजिए, जितना ज़्यादा शामिल करें उतना अच्छा है। दही को भी चिकन के अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। क्रीम डालने से भी चिकन का टेस्ट इंक्रीज होता है, तो आप क्रीम को भी डालकर इसके अंदर अच्छी तरह से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसके ऊपर गरम मसाला डाल के फ्लेम को ऑफ कर दें, तवा चिकन बनकर रेडी हो जाएगा।
तवा चिकन हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे गर्म मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन एक मिनट इसको फिर से फ्राई करेंगे। तवा चिकन हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। तवा चिकन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको गार्निश करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सब्ज मिर्च। थोड़ा सा धनिया और इसके ऊपर डालेंगे अदरक।